बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। डियर स्टूडेंट, वी आर हेयर इन बीएस सीरीज। आज रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर। जितने भी न्यूक्लियर डिटेक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले वाले सेशन के अंदर, यानी फोटोग्राफिक इमल्शन, गैस फील्ड डिटेक्टर्स, ट्रैक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे डिटेक्टर हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई प्रसीजन के साथ गैमा रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। चूंकि इन डिटेक्टर में मोस्टली जो मीडियम यूज होता है वो गैस होती है, और गैमा रेज इन डिटेक्टर की जितनी लेंथ होती है उतनी रेंज के अंदर गैस के साथ इंटरेक्ट करके आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकती, या बहुत ही कम आयोनाइजेशन करती है। इसलिए ऑल दीज डिटेक्टर आर नॉट वेरी सूटेबल टू डिटेक्ट गैमा रेज। फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज, वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टर इज सेंटिलेशन काउंटर। इस सेंटिलेशन व्हाट काउंटर, स्टूडेंट याद रखिएगा, सेंटिलेशन काउंटर आर वेरी गुड डिटेक्टर फॉर द डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज, आल्सो फॉर बीटा पार्टिकल एज वेल एज अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, बात करता हूं। याद रखिएगा, हमारे पास जो सेंटिलेशन काउंटर होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक को सेंटीलेटर कहते हैं और एक को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। सेंटीलेटर क्या होता है? सेंटीलेटर ऐसा केमिकल होता है जो रेडियो एक्टिव एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। यानी सेंटीलेटर्स आर द केमिकल दैट कन्वर्ट रेडियो एक्टिव एनर्जी एन टू लाइट। याद रखना स्टूडेंट, जो सेंटिलेटर पोर्शन होता है उसमें इनऑर्गेनिक क्रिस्टल होता है, या सेंटिलेटर इन सॉल्यूशन फॉर्म भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल होता है जिसको कवर्ड किया होता है एल्यूमिनियम जैकेट ने। यहां पे हमारे पास दो विंडो होती हैं। एक विंडो होती है फॉर द एंट्रेंस ऑफ न्यूक्लियर एमिशन, और एक विंडो होती है फॉर द एंट्रेंस ऑफ लाइट दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर एमिशन विद द सेंटीलेटर। और स्टूडेंट, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और सेंटीलेटर को आपस में क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो कॉमनली यूज सेंटीलेटर मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लोर और फास्फोर कहते हैं। ऐसा सेंटिलेटर जो फ्लोरेसेंस काज करे उसे फ्लोर कहते हैं, ऐसा सेंटिलेटर जो फास्फोरेसेंस काज करे उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, उसको हम फास्फोर कहते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा जो पार्ट होता है इस डिटेक्टर का, उसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में एक कैथोड होता है, एक कैथोड होता है और अ नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको डायनोड कहते हैं। ये जो डायनोड होते हैं, हर डायनोड इंक्रीजिंग पोटेंशियल पे हुआ करता है। लेट्स सपोज अगर पहले डायनोड की पोटेंशियल 100 वोल्ट है, दूसरे की 200 होगी, तीसरे की 300, चौथे की 400, पांचवें की 500, छठे की 600, सातवें की 700, और एक एनोड होता है। यानी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में कैथोड होते हैं और सीरीज ऑफ एनोड होते हैं जिनको हम डायनोड कहते हैं। ये डायनोड इंक्रीजिंग वोल्ट के साथ कनेक्ट हुआ करते हैं, और एट द एंड हाईएस्ट वोल्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होगा उसको हम नाम देंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो मेन एनोड होगा। और फिर ये कैथोड और जो इलेक्ट्रोड है, जो एनोड है,
ये कनेक्ट होते हैं टू द व्हाट बैटरी विद द व्हाट विद द एम मीटर आर वोल्ट मीटर। तो ये स्टूडेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है सेंटिलेशन काउंटर की। अब सेंटिलेशन काउंटर के दो मेन पार्ट हमने पढ़ लिए, सेंटिलेटर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि ये वर्किंग कैसे करते हैं, इस पे बात करता हूं। स्टूडेंट वर्किंग क्या होती है इसकी, रेडियो एक्टिव सोर्स है जो न्यूक्लियर एमिशन एमिट होती है, वो न्यूक्लियर एमिशन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेस, वो विंडो वन से एंटर होते हैं एन टू एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल जो एल्यूमिनियम जैकेट के अंदर होता है। जब न्यूक्लियर एमिशन एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल के साथ इंट्रैक्ट करती है तो एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल न्यूक्लियर रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल न्यूक्लियर रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। जब एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल जो कि सेंटिलेटर मटेरियल होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, जब वो एक्साइटेशन स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे वो रेडिएशन एमिट करेंगे इन द अल्ट्रावायलेट आर विजिबल रेंज, इन द अल्ट्रावायलेट आर विजिबल रेंज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड लुमिनेसेंस, इसको लुमिनेसेंस कहते हैं। यानी न्यूक्लियर रेडिएशन जो के रेडियो एक्टिव मटेरियल एमिट करेगा वो विंडो वन से एंटर होंगी एन टू सेंटिलेटर, सेंटिलेटर का जो एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल है या जो सेंटिलेटर सॉल्यूशन भी हो सकता है वो एन न्यूक्लियर एमिशन को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एन न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो इस एन ऑर्गेनिक क्रिस्टल या सेंटिलेटर सॉल्यूशन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे ये एब्जॉर्ब एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट आर विजिबल रेडिएशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड स्टूडेंट लुमिनेसेंस। अब ये लुमिनेसेंस फ्लोरेसेंस भी हो सकता है और फास्फोरेसेंस भी हो सकता है। फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में टेक्निकली फर्क क्या है, ये फर्क बहुत आसान है। अगर सेंटिलेटर मटेरियल इनऑर्गेनिक क्रिस्टल जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे उतनी ही एनर्जी के फोटॉन एमिट करे तो ये फिनोमेना कहलाता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस होती है ड्यू टू सिंगलर टू सिंगलर ट्रांजिशन, ये फास्ट फिनोमेना होता है। अगर सेंटिलेटर मटेरियल हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करे फ्रॉम न्यूक्लियर पार्टिकल आर रेडिएशन और डी एक्साइटेशन पे उससे कम एनर्जी के फोटॉन एमिट करें, इस फिनोमेना को फास्फोरेसेंस कहते हैं। फास्फोरेसेंस अक्कर होती है ड्यू टू सिंगलर टू ट्रिपलर ट्रांजिशन। व्हाट इज मीन बाय सिंगलर टू ट्रिपलर ट्रांजिशन, अगर स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन स्टेट है एक्साइटेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस आए उसकी स्पिन स्टेट में फर्क ना आए इसको कहते हैं सिंगलर टू सिंगलर ट्रांजिशन। अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन हो फॉर एग्जाम्पल वो क्लॉकवाइज हो एक्साइटेशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आए उसकी स्पिन स्टेट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इसको कहते हैं सिंगलर टू ट्रिपलर ट्रांजिशन, और इससे जो रेडिएशन निकलती हैं उस फिनोमेना को फास्फोरेसेंस कहते हैं और ऐसा सेंटिलेटर फास्फोर कहलाएगा। अब स्टूडेंट याद रखना नॉर्मली ये जो मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक क्रिस्टल होता है ये सोडियम आयोडाइड विद लिटल थैलियम, सोडियम आयोडाइड विद लिटल थैलियम यूज होता है और ये यूज होता है फॉर द व्हाट गामा रेस। यानी गामा रेस अगर आपने डिटेक्ट करनी है तो हमने यहां पे क्या यूज करना होता है, सोडियम आयोडाइड विद लिटल थैलियम। अगर बीटा पार्टिकल हमने डिटेक्ट करने होते हैं उसके लिए हम और मटेरियल यूज करते हैं, और अगर हमने अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करने हैं उसके लिए हमने जिंक सल्फाइड यूज करना होता है। अब स्टूडेंट होगा क्या,
होगा क्या, जब हमारे पास यहां पे लाइट के फोटॉन प्रोड्यूस होंगे, वो लाइट के फोटॉन विंडो 2 से एंटर होंगे एट कैथोड। इस कैथोड को फोटो कैथोड कहते हैं। जब लाइट का फोटॉन फोटो कैथोड को स्ट्राइक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये डायनोड, क्योंकि ये कैथोड के मुकाबले में हाई पोटेंशियल वाला है, पॉजिटिवली चार्ज है कैथोड के मुकाबले में, उस इलेक्ट्रॉन को ये डायनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को डायनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायनोड की सरफेस पे जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, तो वहां से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दूसरा डायनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेट्स सपोज यहां से दो अगर इलेक्ट्रॉन ने पहले डायनोड को स्ट्राइक किया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से चार इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एमिट करेंगे। अब ये जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, इन जो कैथोड से प्रोड्यूस हुए थे, जब कैथोड के साथ फोटॉन ने स्ट्राइक किया था, इनको प्राइमरी फोटो एमिशन कहते हैं, प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन पहले डायनोड पर उन्होंने स्ट्राइक किया, जहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, इनको सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन जब दूसरे डायनोड की सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करेंगे, उनकी तादाद को और ज्यादा कर देंगे। जब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन थर्ड डायनोड पे आएंगे, तो थर्ड डायनोड को जब स्ट्राइक करेंगे, तो वहां उसकी सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, जो कि चौथे डायनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि चौथे डायनोड की जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट होंगे विद ग्रेटर फोर्स। जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायनोड को हिट करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायनोड की सरफेस को स्ट्राइक करेंगे विद ग्रेटर फोर्स, वहां से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, और ये जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नेक्स्ट डायनोड की तरफ मूव करेंगे। ये सिलसिला इंक्रीज होता जाएगा एट ईच डायनोड। अब इसके इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट डायनोड को स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन अगले डायनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगले डायनोड की सरफेस पे जब ये पहुंचेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, और एट द एंड जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेन एनोड पे पहुंचेंगे, तो एक्सटर्नल सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इस करंट को मेजर कर दिया जाता है, इस करंट से हम वोल्टेज पल्स और नंबर ऑफ वोल्टेज पल्स की हाइट और नंबर ऑफ वोल्टेज पल्स काउंट कर लेते हैं। हर फोटॉन जो शुरू में एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है कैथोड पे, उस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी ये मैग्निफिकेशन 10^8 हो जाती है। अगर शुरू में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, तो मेन एनोड तक पहुंचते उस इलेक्ट्रॉन से 10^8 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, इस तरह करंट जो प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, ये करंट प्रोपोर्शनल होगा, किस पे प्रोपोर्शनल होगा, ये करंट प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द फोटो कैथोड। फोटो कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं, ये बात डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर कम होगी, तो कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे कहां से, कैथोड से। जब कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, उनकी मैग्निफिकेशन भी कम होगी, ओवरऑल कम करंट प्रोड्यूस होगा। अगर फोटॉन की एनर्जी ज्यादा हुई, तो वो फोटॉन
फोटॉन की एनर्जी ज्यादा हुई तो स्टूडेंट क्या होगा, वो फोटॉन फोटो कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होगी, फिर पल्स हाइट भी बहुत ज्यादा होगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास जो पल्स हाइट होगी उसका रिलेशन बनेगा विद एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन किस पे डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड करेगी एंट्रैक्टिंग न्यूक्लियर पार्टिकल और रेडिएशन। इस तरह जो करंट बनेगा, करंट से जो वोल्टेज पल्स की हाइट होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी एनर्जी ऑफ व्हाट, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन। स्टूडेंट याद रखना, टिपिकल सेंटिलेटर जो होता है, टिपिकल सेंटिलेशन काउंटर जो होता है उसके अंदर 10 तक डायनोड होते हैं ताकि बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो करंट की। स्टूडेंट एक बात याद रखना, फ्रॉम द डायनोड इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में जब मूव करेंगे तो इस करंट को मेजर कर लिया जाता है जो कि क्या होता है, जिससे वोल्टेज पल्स की हाइट और नंबर ऑफ वोल्टेज पल्स काउंट कर दी जाती हैं। नंबर ऑफ वोल्टेज पल्स इंटेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल का इंडिकेशन करेंगी, पल्स हाइट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल की इंडिकेशन करेंगी। स्टूडेंट याद रखना, मैंने जिस तरह कहा था कि हमारे पास फॉर बीटा पार्टिकल एंथ्रासीन यूज कर सकते हैं, एंथ्रासीन यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड थेलियम। जिंक सल्फाइट को यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल। अब स्टूडेंट सम टाइम पैरा टर्फिनाइल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पैरा टर्फिनाइल ये हमारे पास होता है, तीन बेंजीन रिंग अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। पैरा टर्फिनाइल एंजाइलिन, पैरा टर्फिनाइल एंजाइलिन प्रोवाइड लिक्विड सेंटिलेशन मीडियम, मोस्टली यूज फॉर लो एनर्जी बीटा पार्टिकल डिटेक्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं जी। अब स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी मैं और डिटेल पे बात करता हूं। स्टूडेंट कुछ सेंटिलेशन काउंटर जो होते हैं उनमें सेंटिलेशन सॉल्यूशन यूज होता है, कि सम सेंटिलेशन काउंटर कंटेन सेंटिलेशन सॉल्यूशन। इन दीज केसेस बोथ द सैंपल एंड सेंटिलेटर, हेयर सैंपल मीन रेडियोएक्टिव मटेरियल, बोथ सैंपल एंड सेंटिलेटर आर यूजुअली डिजॉल्व इन सेम पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस केस में हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल और सेंटिलेटर को सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट याद रखना, जो सेंटिलेटर सॉल्यूशन फॉर्म में वर्क करते हैं, इन सेंटिलेटर में हमारे पास होता है एंथ्रासीन, 2,5 डाइफिनाइल ऑक्साजोल, फिनाइल बाइफिनाइल ऑक्साडाइजोल, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पैरा टर्फिनाइल अल्फा नेफ्थाइल फिन ऑक्साजोल, ये ऐसे केमिकल हैं जिनके सॉल्यूशन को सैंपल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब सैंपल से जो न्यूक्लियर एमिशन होती है वो इन सेंटिलेटर मटेरियल के इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर देते हैं जिससे इनसे रेडिएशन एमिट होती हैं। वो रेडिएशन एंट्रैक्ट करती हैं कैथोड ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। फिर दीज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू डायनोड्स, नंबर ऑफ डायनोड्स जब ये गुजरते हैं बहुत ज्यादा इनकी तादाद हो जाती है, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट सम टाइम ऐसा होता है, चूंकि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सिर्फ विजिबल लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकती है, सम टाइम ऐसा होता है कि एक सेंटिलेटर रेडिएशन एमिट करता है इन विजिबल रीजन, तो विजिबल लाइट को हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में इस सेंटिलेटर को प्राइमरी सेंटिलेटर कहेंगे। अब ऐसे केस में हम प्राइमरी सेंटिलेटर के साथ साथ एक दूसरा सेंटिलेटर भी यूज करेंगे जिसको सेकेंडरी सेंटिलेटर का नाम दिया जाएगा। सेकेंडरी सेंटिलेटर का फंक्शन क्या होगा,
सेकेंडरी सेंटीलेटर प्राइमरी सेंटीलेटर से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकली वो सेकेंडरी सेंटीलेटर से इंट्रैक्ट करेंगी, और सेकेंडरी सेंटीलेटर ऐसा कंपाउंड होगा जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और खुद जो रेडिएशन एमिट करेगा वो विजिबल रेंज के अंदर होंगी। अब जब ये विजिबल रेंज वाली रेडिएशन इंट्रैक्ट करेंगी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के साथ, तो स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोड्यूस होगा जिसको एम्पलीफाई करके क्या कर दिया जाएगा, काउंट कर दिया जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है, याद रखना उसकी दो पॉइंट हमारे लिए काम के हैं। कौन से दो पॉइंट काम के हैं? एक वोल्टेज पल्स की हाइट जिससे हमें एनर्जी ऑफ एंट्रैक्टिंग पार्टिकल आर रेडिएशन का पता चलेगा, दूसरा नंबर ऑफ वोल्टेज पल्सेस जिससे हमें एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल या रेडिएशन का पता चलेगा। तो स्टूडेंट ये है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेंटिलेशन काउंटर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री और आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मिलेगी। तो स्टूडेंट आप अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, इस पर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है मेहनत, वो है हार्ड वर्क, वो है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, वो है स्मार्ट वर्क। स्टूडेंट याद रखिएगा, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फ्यूचर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाला दौर कंपटीशन का दौर है, इसमें स्ट्रगल करने वाला ही सरवाइव करेगा, जिसने मेहनत की होगी वही सिर्फ सरवाइव करेगा। तो स्टूडेंट इसके आखिरी एस्पेक्ट पे बात करता हूं, दैट इज एडवांटेजेस। अब इस डिटेक्टर के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज कि सेंटिलेशन काउंटर गेव हाई काउंट रेट एज कंपेयर टू गीगर मोलर काउंटर। गीगर मोलर काउंटर के मुकाबले में ये हाई काउंट रेट देता है, इससे आप हाई वोल्टेज पल्स की तादाद ज्यादा मकदार में गिन सकते हैं, क्योंकि इसका डेड टाइम बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नो होने के बराबर है। दूसरा एडवांटेज स्टूडेंट, इससे पल्स हाइट ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल देता है, इससे बड़ी पल्स हाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम एनर्जी की रेडिएशन या पार्टिकल भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। रादर इट इज द ओनली डिटेक्टर विच कैन डिटेक्ट गैमा रेज विद एक्यूरेसी, विद हाई एक्यूरेसी। ये सिर्फ एक ही डिटेक्टर है जो गैमा रेज को बहुत हाई एक्यूरेसी से क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट इसका ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि इट इज अ बिट एक्सपेंसिव डिटेक्टर, ये निस्बतन महंगा डिटेक्टर है। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस डिटेक्टर। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन जो कि सेंटिलेशन काउंटर पे था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी जगह पे भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने इससे कुछ सीखा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टूडेंट को भी सजेस्ट करें जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं भी हैं। अगर कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन कर रहा है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, किसी दूसरे कॉलेज, तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं ताकि इससे सारे लोगों को फ़ायदा हो। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।